सो मैंने जस्ट ट्विन मोशन मैंने डाउनलोड कर दिया है, और सो अभी जस्ट चालू करूँगा मैं ट्विन मोशन। और ट्विन मोशन चालू करने के बाद एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, सो ही इज़ आस्किंग फॉर इंटरनेट कनेक्शन। बट मैंने मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा है कि पूछा था कि सर ये इंटरनेट कनेक्शन लगता है क्या। सो ऐसा नहीं है, आप स्किप कर सकते हो इस चीज़ को। इंटरनेट कनेक्शन क्यों लगता है कि जिसके पास अनरियल इंजन का सॉफ्टवेयर है तो उसको डायरेक्टली वहाँ से मार्केट प्लेस से डायरेक्टली एसेट्स डाउनलोड कर सकते हो आप। बट राइट नाउ वी डोंट वॉन्ट अनरियल इंजन और लर्न और मार्केट प्लेस और लाइब्रेरी, राइट नाउ वी वॉन्ट ट्विन मोशन। तो उसका जो रास्ता है वो यहाँ से ही है, वो एपिक गेम लॉन्चर बोलते हैं उसको। सो राइट नाउ यू कैन सी लॉन्च, और नीचे है ट्विन मोशन और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। फास्ट रियल टाइम आर्किटेक्चरल विजुलाइजेशन, इट्स रियली फास्ट, देखे देखोगे आप एक एक चीज़। सो इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत ही अच्छा है, अभी और बढ़ रहा है। बहुत कम लोगों को ये मालूम है क्योंकि अभी अभी लॉन्च हुआ है ये सॉफ्टवेयर। और उसके मुझे मतलब मैं इसके बारे में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि वाई ट्विन मोशन इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन आर्किटेक्चुरल इंडस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ, देखो ये सामने आपको दिख रहा है ट्विन मोशन प्लगइन्स, डाउनलोड प्लगइन्स। सो देर आर प्लगइन्स फ्रॉम स्केचअप, मतलब फॉर स्केचअप एक्चुअली, मतलब डायरेक्टली लिंक कर सकते हो तुम्हारा आर्ची कैड का, स्केचअप का, राइनो का, ग्रास हॉपर का। अब वहाँ से डायरेक्टली आप अपडेट कर सकते हो टूवर्ड्स ट्विन मोशन, मतलब तुरंत एक दो क्लिक में आपका वो अपडेट हो जाएगा, वी डोंट हैव टू रीलोड अगेन। सो ये दो वर्जन्स हैं, ये जो ट्विन मोशन 2019 का है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने 2019 में वीडियो बनाया था ट्विन मोशन के बारे में। सो राइट नाउ आई हैव डाउनलोडेड द एजुकेशन वर्जन ऑफ 2020.1। ये एजुकेशन वर्जन आपको फ्री मिलेगा, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एकेडमी हैं, उन लोगों को वो फ्री है, इवन स्टूडेंट्स ऑल्सो हैज़ अ फ्री वर्जन। और एक अपडेट देना चाहता हूँ, अभी हमने चालू किया है रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स देना, जिसमें हम पेन ड्राइव दे रहे हैं, और उस पेन ड्राइव में आपको मिलेगा करीब करीब सारे 3D Max के फाइल्स और रिकॉर्डेड वीडियोस। इसमें रहेंगे 16 GB से भी ज़्यादा के ट्यूटोरियल्स और सारे एक्सरसाइज फाइल्स। इसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ से लाइव लेक्चर्स, 6 या 7 लाइव लेक्चर्स रहेंगे। और इसके बाद में आप जब भी असाइनमेंट कंप्लीट करके आप मुझे भेजोगे, मैं आपको कुरियर से सेंड करूँगा यहाँ से ऑथोराइज की फ्रेम्स एनिमेशन का सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको इस पेन ड्राइव के बारे में जानकारी देना है, लेना है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो मैं किस सब्जेक्ट पे था, वाई ट्विन मोशन विल बी अ गेम चेंजर। सो द थिंग इज़ इट्स रियली वेरी फास्ट, और जिस तरह से वो चीज़ें इंक्लूड करते जा रहा है, बिकॉज ट्विन मोशन हैज़ अ बैकिंग ऑफ वेरी गुड सॉफ्टवेयर कॉल्ड अनरियल इंजिन। सो अभी आपको मालूम होगा अनरियल इंजिन कितना बड़ा है, सो उसके बारे में मुझे इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो जैसे ही आप ये चालू करते हो, यू सी आपको शॉर्टकट्स कैसे चाहिए। अगर मैं वो नेविगेशन मोड करता हूँ ना, तो यहाँ से उसका ऑर्बिट पैनिंग ये चेंज होता है, बट नीचे के जो ऑप्शंस है ना, जूम वगैरह, जूम इन जूम आउट, वो चेंज नहीं होते। राइट नाउ आई कैन कीप ऑन 3D Max बिकॉज मेरा 3D Max में हाथ ज़्यादा अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि वही शॉर्टकट्स बने रहे। सो आई डोंट वॉन्ट, इफ आई डोंट वॉन्ट टू शो दिस डायलॉग्स, आई कैन चेक इट ऑफ, और मैं इसको करता हूँ बंद, राइट। चालू करते समय ही आपको एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसमें सिटी का और थोड़ा सा इसका मोड है, और ऊपर आपको दिखाई देगा इट्स नॉट फॉर कमर्शियल यूज़, मैं इससे कोई भी बाहर का काम लेके काम नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आप वो आईबॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल सी द डे लाइट लाइट स्पीड, स्पीड ऑफ द व्हीकल, टाइमिंग ऑफ द डे टाइम नाइट, एंड ये आपको व्यूज़ के बारे में दिखाएगा, इट इस अ पर्सपेक्टिव, फ्रंट, टॉप, लेफ्ट, राइट। अभी तो आपको सारे चीज़ एक साथ ही जैसे एक ही जैसे दिखाई देंगे, बट ट्रस्ट मी, ये जैसे हमारा मैक्स है या तो स्केचअप है, इसके जैसा जो आपका व्यूज़ है वैसा ही है। सो येस, इन 2 क्लिक्स वी कैन मेक अ वर्चुअल रियलिटी के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। मैंने उसको टेस्ट किया है, खाली आपका PC थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो द फर्स्ट इन जो आपको फर्स्ट इसमें मिलेगा, लेयर्स में मिलेगा, वो है सीन का ग्राफ, मतलब जो बेसिक आपको आउट मिल रहा है वो, और ये तुम्हारा स्टार्टिंग ग्राउंड जो बाय डिफॉल्ट सभी में आता है। सो ये एक्चुअली जूम के कंट्रोल्स हैं, W, S,
जैसे गेमिंग कंट्रोल्स होते हैं ना, सेम वैसा ही है। मतलब कीबोर्ड में W A D, मतलब D मतलब राइट हैंड साइड का पैनिंग, और S मतलब डाउन, E मतलब अप। सो उसके कंट्रोल्स तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप हेल्प में जाओगे तो उसके शॉर्टकट्स हैं, तो मैं उसको एक बार दिखा दूंगा। बट यस, उसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। तुम्हारा जो मिडिल माउस का जूम है, मतलब वो भी काम वैसा ही करेगा। और अगर आप लेयर पैनल में जाओगे जो राइट हैंड साइड में है, यू कैन रीनेम इट कि किसको क्या नाम देना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ पे क्लिक करो 3 डॉट्स 2 डॉट्स के ऊपर, तो वहाँ डिलीट, हाइड, अनहाइड, आइसोलेशन, एग्जिट। ये देखो, आइसोलेट एग्जिट एक जगह पे है, सो यू कैन डू दैट एज वेल। और जूम टू सिलेक्शन है, जैसे हम जेड प्रेस करते हैं मैक्स में, वैसा ही काम करता है। सो यहाँ पे स्टैट्स है, फेजिंग, बिम इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का सारा चीज़ है। जैसे कि स्टैट्स में अगर आप देखोगे, अलग अलग ऑप्शन है। ये मैं यहाँ से एक्सपांड करता हूँ और यहाँ पे स्टैट्स ओपन करता हूँ। स्टैट्स मतलब तुम्हारा जो FPS रहेगा, मतलब तुम्हारा PC कितना स्ट्रांग है, वो यहाँ आपको शो करेगा। सो अभी तो फिलहाल सीन में कुछ नहीं है, बट टो बी यू कैन सी GPU के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो चल रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ प्रेफरेंस में, और प्रेफरेंस में आई विल गो इन क्वालिटी। राइट नाउ बाय डिफ़ॉल्ट उसने अल्ट्रा में लिया है। अल्ट्रा इज़ द हाइएस्ट लेवल ऑफ एंटीलाइजिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग, शेडोज, टेक्सचर, सारी चीज़ का। बट ये अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड स्ट्रांग है तो वो लेगा, नहीं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम में सेट करेगा, तो लो में सेट करेगा। क्योंकि मेरा जो पिछला वाला जो PC था, वो थोड़ा सा लो एंड ही था। मेरे ग्राफिक कार्ड के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। मैंने शायद इसका वीडियो डाला हुआ है, जो मैंने लिया था PC। ठीक है, ग्राफिक कार्ड है मेरा GeForce RTX 2060। ठीक है, और ठीक है, इसमें जो सारी चीज़ें हैं सब दिया हुआ है। उसका क्लॉकिंग स्पीड कितना है, मेमोरी कितना है, बट इन शॉर्ट GTX, क्या आप RTX 2060, इतना बहुत हो गया। इसके ऊपर ज़्यादा टेक्निकल जाने की ज़रूरत है नहीं। और यस, प्रोग्राम सेटिंग में आप देख सकते हो, यू कैन से एपिक गेम लॉन्चर। सो एपिक गेम लॉन्चर जो पूरा लॉन्चर है ट्विन मोशन का, वही लॉन्च होगा वो वहाँ से। मतलब उसका सेटिंग अगर आपको अलग से करना है तो आप कर सकते हो, बट यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको इन डिटेल बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बोलता हूँ। बट इन केस आपको देखना है तो आप वहाँ से जा सकते हो कि आपका ग्राफिक कार्ड लोड ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। कूड़ा ग्राफिक कार्ड, जो जो कूड़ा प्रोसेसिंग होता है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ दिया है। सो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल सेटिंग पे ही होता है, तो ग्लोबल सेटिंग पे रखना और अच्छा है। क्योंकि मैंने अभी रीसेट की है, कुछ जो मैंने चीज़ रखा था मैंने उसको रीसेट किया, क्योंकि उतना टेक्निकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं सीखने के लिए, अलावा अगर मैं आपको कंफ्यूज कर दूं तो बेसिकली वो मुझे नहीं पसंद रहेगा। सो दैट्स व्हाई उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और रादर देन उधर ज़्यादा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे जो क्वालिटी है, आप उसको मीडियम हाई, जैसे आपका ग्राफिक कार्ड है अगर लेता है। देखो, FPS मेरा बढ़ गया। अगर मैंने अल्ट्रा से मीडियम सेट किया तो FPS आपको मालूम होगा, बट जिसको मालूम नहीं है, इट्स अ फ्रेम पर सेकेंड। इसका क्या बोलते हैं, सीधा जो लैंग्वेज में अगर समझाने जाओ, जितना ज़्यादा FPS बढ़ेगा उतना तुम्हारा सिस्टम अच्छा चलेगा, हैंग नहीं होगा, दैट्स इट। आसान भाषों में अगर बोला जाए तो ठीक है। तो अल्ट्रा में रखोगे थोड़ा FPS कम हो जाएगा, अभी तो सीन में फिलहाल कुछ नहीं है, बट तो भी वहाँ थंब दिखा रहा है और ग्रीन में दिखा रहा है, दैट मीन्स वो बहुत ही अच्छा है। और चलो यहाँ से एक बार ट्री ड्रैग कर लेता हूँ, और देखो इसका FPS थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, बट ये जो उसका शेडोज़ हैं, जो लीव्स के जो टेक्सचर्स हैं, और देखो यहाँ से उसका शाइन है, यू कैन सी इट।
और एक तो ऊपर से एनिमेटेड है और शेडिंग भी जो दिखने आपको मिल रहा है वो एकदम रियलिस्टिक है। सो इससे क्या होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसके अल्ट्रा या हाई के ऊपर रखने से क्या होता है कि आपका जो टाइम बचता है बार बार रेंडर करके चेक करने का, जो सारे सॉफ्टवेयर्स में एक चीज़ है, नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग वी ऑल आर मूविंग टूवर्ड्स रियल टाइम के हम तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब वी डोंट वॉन्ट कि अपना समय जाए थोड़ा थोड़ा चीज़ रेंडर करते हुए। इसके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर जैसे लुमियन है, या ये क्या बोलते हैं तुम्हारा अपना अनरियल ट्विन मोशन है, इसका चांसेस मतलब ये इसीलिए मार्केट में आए हैं। अब मैंने उसको क्या किया है, अब मैं उसको एकदम लो पे लेके गया है, ठीक है, जो सेटिंग है मेरा लो पे है, पर लो पे क्या होता है उसका प्रीव्यू एकदम गंदा रहता है देखने के लिए, अपने को बार बार रेंडर करके ही चेक करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन पीसी का कम है तो ठीक है ना। सी दिस माई पर्सनल ओपिनियन कि आज के तारीख में ट्विन मोशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आपके पास पकड़ लो i5 या i3 भी रहेगा और थोड़ा सा डिसेंट ग्राफिक कार्ड रहेगा तो भी आप यहाँ इसमें प्रोजेक्ट करके दे सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको एकदम तगड़ा वाला ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, बट येस क्या बोलते हैं ना, अगर मेरे पास वन रूम किचन है, अगर मैं आपको 5 BHK बोलूँ तो ऑफकोर्स 5 BHK आपके पास कभी भी अच्छा होगा, क्योंकि आप यू कैन कीप मोर गुड्स। क्योंकि क्या होता है राइट नाउ, बहुत सारे स्टूडेंट के पास इतना हाई एंड ग्राफिक कार्ड होता है नहीं, ठीक है ना। जैसे अभी RTX तो अभी अभी लॉन्च हुआ है, मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ है। सो इन केस अगर आपके पास नहीं भी है, यू कैन ट्राई इट आउट और FPS के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। FPS इज़ काइंड ऑफ हार्ट बीट आपके सॉफ्टवेयर का, अगर वो ड्रॉप हो गया तो समझ लो आपका जो सिस्टम है वो हैंग होने की तरफ बढ़ रहा है। अगर FPS अच्छा जा रहा है देन यू कैन प्ले इट अराउंड। और एक चीज़, मैंने बहुत बार मतलब मैं जो इसके पिछला जो PC था ना वो मेरा i5 था, i5 और पुराना i5 था और उसमें ग्राफिक कार्ड भी स्ट्रांग नहीं था, तो मैं लो के ऊपर काम करता था। इवन मेरे जो स्टाफ था वो भी लो के ऊपर काम करके मीडियम के ऊपर चेक करके उसको रेंडर करते थे। मैंने ऐसे भी दिन निकाले हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए आपको बहुत से अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड से ही शुरू करना है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग कि लो क्यों है, तो लो के ऊपर काम करके, या तो भी हम मैक्स में जब भी हम काम करते हैं तो क्या रियल टाइम के ऊपर काम करते हैं क्या, नहीं करते, हम बार बार रेंडर करके दें, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ डेमो सीन, आप डायरेक्टली उसको डेमो सीन में देख सकते हो। ये सारे ट्विन मोशन पे प्री लोडेड आता है, ऐसा आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप सॉफ्टवेयर लोड करते हो मतलब इंस्टॉल करते हो, उसके साथ में अगर फाइल में जाओगे तो ये आपको डेमो सीन मिलेगा। डेमो सीन आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं इसका एक अंदाज आ जाएगा। सो इसके टेक्सचर्स देखो, रियलिस्टिक है, ठीक है। पहले जो मॉडल्स थे वो इतने रियलिस्टिक नहीं थे, और ये ड्रोन है, ड्रोन रखा हुआ, ये एनिमेटेड ड्रोन है, और कुछ कुछ चीज़ें हैं। ताकि देखो मैं अभी इसका FPS भी अच्छा जा रहा है, राइट। क्या क्या चीज़ें इसमें हैं मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताऊंगा। ये अलग अलग, इसमें अगर एनिमेशन करना है, बीम इंफॉर्मेशन रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं पैरामेट्रिकली। और एक चीज़, ये डेमो सीन है, इसमें आपको लाइट्स, फिर मटेरियल्स, सारे जो चीज़ें हैं इसका एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। इसके लिए मैंने डेमो सीन ही ओपन किया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और जब भी आप सीखो तो डेमो सीन से ही सीखो तो आपको और आसान समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी अल्ट्रा में उसको शिफ्ट किया है, प्रेफरेंस में से आई विल गो इन प्रेफरेंस, गो इन क्वालिटी, राइट नाउ इट्स इन अल्ट्रा। अगर मैं मीडियम में सेट करता हूँ तो भी अच्छे अच्छे खासे मुझे शेडोज़ वगैरह आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखो पीछे IV वगैरह दिख रहा है आपको, कितने प्रॉपर रियलिस्टिक दिख रहा है वो, क्योंकि अल्ट्रा में ऑफकोर्स वो रियलिस्टिक दिख रहा है। और ये एनिमेटेड लोग हैं। सो इसमें बनाया कुछ नहीं जाता, मतलब 3D में, 3D Max में या स्केचअप में हम जो चीज़ बनाते हैं और रेंडर करते हैं उसमें वो नहीं,
आप स्केचअप में बनाओ, 3D Max में बनाओ और यहाँ लेके आओ रेंडर करने के लिए, उस तरीके का ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। सो यू कैन चेंज द कलर्स ऑफ द कार और एक ही चुटकी में, एक ही क्लिक में आपको अलग अलग कलर्स यहाँ से मिल जाएंगे। आपके अगर रिक्वायरमेंट है प्रॉपर्टी के हिसाब से कि अलग अलग रंग की गाड़ियाँ आपको चाहिए, तो यहाँ से आप डाल सकते हो। सो इट्स अ वेरी हैंडी एंड वेरी वेरी ईजी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं। बट इन केस यू वॉन्ट डिफरेंट कार्स, लेफ्ट हैंड साइड में जो मेनू है आप व्हीकल्स में जाओ, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, अलग अलग कार्स हैं और अलग अलग उसके कलर्स हैं। आई जस्ट वन सिडान्स हैं, बसेस हैं, बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं। सो राइट नाउ आई जस्ट ड्रैग वन कार, ठीक है, यहां से उसका कलर चेंज कर लिया। और ये एनिमेटेड है, मतलब पाथ अगर हम डालते हैं तो ये चलने लगती है, उसके टायर्स घूमने लगते हैं और टर्निंग में उसके आगे के जो व्हील्स हैं वो भी मुड़ते हैं। सो मैंने इसको अल्ट्रा शिफ्ट कर लिया तो देखो ये ऐसे कुछ, देखो आपको शाइनिंग जो मिल रहा है उसका फिनिशिंग देखो, इट्स काइंड जो हमारा क्या बोलते हैं ना, फ्लेक्स जो होता है, मेटल फ्लेक्स और मेटालिक कलर, वो भी एकदम अच्छी तरह से दिख रहा है, ठीक है। अभी इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे बस रख देता हूँ। उसके साइज़ के हिसाब से बराबर बसेस भी हैं और ये क्या बोलते हैं ना, सिटी प्लानिंग और ये सब करने के लिए ना एकदम बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर आप फ्री वाला भी डाउनलोड करते हैं और राइट नाउ 2019 वो फ्री है तो भी आपका पकड़ लो पैसा वसूल नहीं बोलोगे क्योंकि उसके लिए पैसा है ही नहीं। बट स्टिल मैं चाहता हूँ अगर जो बंदा स्केचअप सीख रहा है उसके साथ में ये सॉफ्टवेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। कल को जाके अगर शाम को आप क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, स्टिल मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल प्रेफरेंस, कि कोई भी थर्ड पार्टी का प्लगइन यूज़ करने के बाद, इतना टेक्निकल घुसने के बाद भी आपको इतना अच्छा आउटपुट नहीं आएगा जितना आपको ट्विन मोशन देगा। सो मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है, अगर इफ़ यू आर अ यूज़र ऑफ स्केचअप देन यू हैव टू लर्न ट्विन मोशन, क्योंकि आप देख रहे हो कि डायरेक्टली स्केचअप या 3D Max कोई भी स्ट्रक्चर फ़र्क नहीं पड़ता, उसका रेंडर तुरंत मतलब सेकेंड्स में होता है, फॉरगेट अबाउट द मिनट्स। मैंने एक बार पोस्ट डाला था कल कि पोस्ट डाल जो एक स्विमिंग है, स्विमिंग पूल और एक स्ट्रक्चर है उसमें कितना टाइम लगा था रेंडर करने के लिए, उसको टाइम लगा था 3 सेकेंड्स। इतना बड़ा सीन, उसमें एनिमेटेड लोग थे, लाइट्स थे, इवनिंग का शॉट है, ओनली 3 सेकेंड्स, अमेजिंग। सो ये ठीक है, ये है व्हीकल्स और ये है साइकिल्स, ठीक है ना, ये आप खुद ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। अभी इसमें कुछ एक्सपेंशन करने की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है कि ड्रॉ ड्रैग कैसा करूँ वो तो बताने की ज़रूरत है नहीं, बट इसमें जो मटेरियल्स वगैरह है वो अभी देखेंगे अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद। कौन सा मेनू कहाँ है एक बार देख लो सी। ये है एनिमेटेड बटरफ्लाइज, कहाँ भी आप रख सकते हो उसको मूव करके। कैन मूव दिस एंड जूम लाइक दिस, जूम करने के लिए +W, थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, सी कैन सी द बटरफ्लाइज। डायरेक्टली रात का सीन हो गया और जो अंदर के लाइट्स हैं वो डायरेक्टली बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन है कि आपको डे लाइट का साइकिल रखना है क्या चालू। अगर वो आपने रख दिया चालू कि डायरेक्टली आपका सूरज ढल जाएगा तो उसके बाद आपके अंदर के लाइट्स धीरे 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 से आपको लगेंगे कि यस लाइट्स जले हुए हैं। सो नीड नॉट टू वरी अबाउट कि उसको चालू करना है, कितना उसका एक्सपोजर रखना है। सी नाउ जहाँ जहाँ लाइट प्लेस किए हुए हैं और लाइट
सिलेक्ट करके उसका एंगल, इंटेंसिटी, कलर, शेडोज, एटेनेशन सारा चीज़ हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। शेडो ऑन ऑफ, इवन शेडो बायस, बायस भी दे सकते हैं, शेडो को बायस भी दे सकते हैं अगर हम मोर में गए तो। सो यहाँ से कलर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। सो मैं मेरा वीडियो यहाँ रोकता हूँ, ठीक है ना। आई होप यू हैव लाइक दिस इंट्रोडक्शन ऑफ क्वीन मोशन, ठीक है ना। तो ज़्यादा शॉर्टकट्स के लिए ऑफ कोर्स यहाँ से शॉर्टकट क्लिक करो तो शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। बट येस, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करो, नीचे लाल कलर का बटन है वो दबाकर ग्रे कर दो। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। एंड एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।